नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ मनबड़ और दबंग पड़ोसी ने पहले परिजनों को जमकर पीटा और बाद में उसकी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। पुलिस से शिकायत करने पर पुलिस ने दबंग के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय एक तरफा पीड़ित को ही सीआरपीसी धाराओं में पाबंद कर दिया, जिससे परेशान पीड़ित ने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अंबरपुर गांव के रहने वाले पीड़ित कमलेश का आरोप है कि उनके पड़ोसी अखिलेश मिथिलेश काफी दबंग और मनबड़ किस्म के हैं। वे आए दिन किसी न किसी के साथ मारपीट करने के साथ लोगों की जमीनों को भी जबरन कब्जा करने का काम करते हैं। बीते 15 जनवरी को इन लोगों ने उनके एक मकान में तालाबंद करने की कोशिश की तो लोगों ने मिलकर उनको और उनके परिजनों को लाठी डंडे से जमकर पीटा, जिसमें उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका आज भी इलाज चल रहा है। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई तो पुलिस ने उल्टी उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, जबकि दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिजनों को आश्वासन दिया है कि उनके साथ न्याय होगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। घर पर मारपीट हुई थी, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। किससे मारपीट हुई? मेरे पटीदार से। क्या कारण था कि मारपीट हुई? वो जैसे मेरे मकान में बकरी बांधते हैं तो उसी में दिन में ही ताला मार रहे थे तो परिवार वालों ने बोला कि दिन में ताला मत मारिए, जाने के लिए छोड़ दीजिए और जब रात होती है तो उस समय ताला मारिए, लेकिन वो नहीं माने। तो उसी ताला को खुलवाने के लिए मेरे परिवार वाले उनसे कहे, बस इसी पे मारपीट हो गई। थाने पे गया तो क्या हुआ? थाने पे गया तो मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे, और मेरे खिलाफ 151-107 का मुकदमा दर्ज हुआ एक तरफा। उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ? उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ। एसपी ऑफिस आए तो यहाँ पे मुझको कुछ आश्वासन मिला है। क्या? अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।